सर ओके, थैंक यू। अच्छा, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जैसे हम एंजाइम चैप्टर की जो हमने टेस्ट ली थी, जनरल टेस्ट ली थी, उसके क्वेश्चंस को काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो है बायोलॉजी सेक्शन के अंदर जो है काफ़ी सारे मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, और उसमें जो है यकीनन जो मेहनत करते हैं। बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे मे बी इनमें से जो जिनमें थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, तो टेस्ट के बाद जो है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो क्लियर भी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, फिर भी अगर किसी चीज़ में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़े पेज नंबर भी बता देते हैं कि कहाँ पे ये पॉइंट है। मोर ओवर जिन्होंने टेस्ट की हुई है, जिन जो समझते हैं कि ये इसमें कोई इशू नहीं है, वो भले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाली जैसे ये टाइम है इसमें अपने लिए जैसे कोई स्टडी के हवाले से उसकी एक दूसरी कोई अरेंजमेंट कर लें, यानी अपने टाइम को सेव कर लें, कंज्यूम जिस तरह से बजाय यहाँ पे जैसे कंज्यूम हो रहा है उससे बेहतर है कोई नई चीज़ सीख लें, तो ये एज यू विश। बट हम यहाँ यकीनन एक्सप्लेनेशन आज करेंगे, और आप स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन जो फुल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट है उनके लिए नेक्स्ट वीक होगा, यानी बायो एनर्जेटिक्स की टेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उस नेक्स्ट वीक में एक से दो टेस्ट ऐसी होंगी जो जिनकी नहीं हुई है, जैसे एवोल्यूशन का चैप्टर है या फर्स्ट ईयर की कुछ चैप्टर है। तो मेरी एक थोड़ी सी राय ये है कि वो दोनों टेस्ट इसी कमिंग वीक में ले लो, कमिंग बायो एनर्जेटिक्स के बाद होंगे। बायो एनर्जेटिक्स जो संडे को टेस्ट है, इसके बाद जो जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे जो भी होगा सुटेबल डे, इसमें यानी हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट दो टेस्ट रखें सिर्फ बायो की, ठीक है। तो वरन, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में। जैसे 21 नंबर पे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज शोन इन कॉम्पिटेटिव, जैसे कि आपको पता है कि एक ऐसी इनहिबिशन होती है एंजाइम इनहिबिशन जिसे हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। जैसे आपको पता है हर एक एंजाइम की जैसे दो प्लेसेस आर साइट्स होती है, एक एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होती है, और दूसरी साइट आर प्लेस आर जगह जो होती है उसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो ये जो क्वेश्चन है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन किसमें होती है, यकीनन जैसे एक्टिव साइट पे आके कोई इनहिबिटर आता है, तो जिसमें एग्जाम्पल लिए गए काफी सारे एंजाइम के नेम है, आपको पता है नेम्स ऑफ एंजाइम्स हैं, तो ये ऐसे नेम्स यकीनन आपने पढ़े हुए हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलेट मेलोनेट सॉरी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय साइनाइड, और हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। तो ये दोनों जैसे यू नो वेरी वेल ये इनकी इनहिबिशन जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सिर्फ ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की है, बाकी ये जो ये नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं, और इस वजह से जो है यकीन एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन है तो आसानी से आप कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज जो है एग्जाम्पल वाइज कैटेगरी वाइज जो आपको जैसे फॉर्मेट का अंदाजा है ऐसे ही सवाल आएंगे, तो मीन ये इसका सही जो लॉजिक कोई नहीं है। द एंजाइम एक्सेप्ट इट्स को एंजाइम, जैसे कि आपको पता है ये थोड़ा सा एडिशनल एक्स्ट्रा टॉपिक था एंजाइम की स्ट्रक्चर के हवाले से, जैसे होलो एंजाइम जैसे होता है या कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है उसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम कहते हैं, दूसरा पार्ट जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो है एपो, उसमें यकीनन जैसे बाकी जैसे जैसे वेरी जैसे कहें कि फाइनल लेवल पे की ये बात नहीं है कि ओनली एंड ओनली जैसे एक्सेप्ट इट्स को एंजाइम, तो ये को एंजाइम आपको पता है को फैक्टर का जैसे एक टाइप है, जैसे आपने पढ़े हैं को फैक्टर जो है को एंजाइम भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, आपने जैसे पढ़े हैं आखिरी हेडिंग के अंदर, तो बट ये जो प्रोटीन पार्ट है जैसे उसके बारे में पूछा गया है, प्रोटीन पार्ट यकीनन जो है वो एपो एंजाइम होता है, इतनी बिग जैसे इसमें लॉजिक कोई भी नहीं है। उसके बाद एक सिचुएशन बताया गया है, एडिशन सिचुएशन है एडिशन ऑफ मोर सब्सट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें उसमें क्या एडिशन की गई है मोर सब्सट्रेट, जितनी ज्यादा सब्सट्रेट ऐड करेंगे तो वो मीन्स केमिकल रिएक्शन है, इफेक्ट क्या हुआ अगर ये ऐसी सिचुएशन इट शोज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, बाद में ये हुआ कि उसमें फर्दर कोई भी जैसे इफेक्ट जो है उस पर नहीं हुआ, सब्सट्रेट तो ऐड की गई बट उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस कंडीशन ये कौन सी कंडीशन है, ये है सेचुरेशन। सेचुरेशन की मीनिंग होती है कि जब भी जितने एंजाइम अगर अवेलेबल हैं
सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड हो जाए और देन एक्टिव साइट की कोई भी ऐसी जगह या प्लेस खाली ना हो, अनऑक्यूपाइड जिसे हम सिचुएशन कहेंगे जिसमें सबस्ट्रेट नहीं हो, तो मीन्स तब तक आप जितने भी सबस्ट्रेट ऐड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। बट जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट जितने एंजाइम होंगे वो सब बिजी हो जाएंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो जाहिर है रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर नहीं होगा। तो यही सिचुएशन दी गई है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें सबस्ट्रेट की एडिशन की, बट वो उसमें क्या हुआ है कि नो इफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जितने भी एंजाइम थे वो सब ऑक्यूपाई हो गए सबस्ट्रेट जैसे ऐड की, उसके बाद कोई जैसे कोई जो है रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज नहीं आई, तो ये सैचुरेशन ऑफ एंजाइम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन फाइंड द राइट चॉइस अबाउट द एंजाइम, एंजाइम के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है बतानी है कि एंजाइम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। जब दे आर प्रोटीन एंड टू डायमेंशनल, वर्ड से डायरेक्ट टू डायमेंशनल, इसी स्टेटमेंट को आप रद्द कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, नहीं हो सकते बिकॉज एंजाइम्स आर 3D इन नेचर। पहले ऑप्शन क्यों छोड़ दे, प्रोटीन जो है बट टू डायमेंशनल नहीं है। दे एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करते हैं, तो यानी ये भी ऑप्शन सही है यकीनन। तो फिर देन जो तीसरा ऑप्शन ही सही है इसका, दे आर लार्जर इन साइज देन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट स्मॉलर होती है और एंजाइम जो है बड़ा होता है। ठीक है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ें, जैसे पहला पार्ट सही है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा पार्ट भी सही हो। जैसे इन दोनों के अंदर यही ट्रिक रखी गई थी कि जैसे पहले पार्ट में जैसे आप देख रहे हैं कि दे आर प्रोटीन, बिल्कुल प्रोटीन है, बट आगे जो दूसरी स्ट्रक्चर है टू डायमेंशनल नहीं है, 3D स्ट्रक्चर होती है। तो ये जिस भी स्टूडेंट का गलत हुआ है उसको ये सोचना चाहिए कि जैसे पूरी स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए। तो गलती अगर किसी ने भी की है तो उसका मतलब ये है कि उसने पहला पार्ट पढ़ा है, फौरन पहला पार्ट पढ़ा है और जवाब तक आ गए, तो इस तरह से नहीं होता है कि ऑप्शन को पूरा रीड करना चाहिए, फोकस्ड होके, कंसंट्रेट होके कि आइदर वाकई नंबर वन पार्ट सही है गलत है। पहला पार्ट इसमें जैसे प्रोटीन बिल्कुल सही है, टू डायमेंशनल सही नहीं है, एक्सेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है यकीनन, बट यहाँ पे दूसरा पार्ट है एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करते हैं और बाकी दे आर लार्जर साइज, ठीक है, डेफिनेटली सही है। तो इसमें ये ट्रिक रखी गई थी आप स्टूडेंट के लिए कि आप जो है पूरी स्टेटमेंट पढ़ें, पहले पार्ट तक महदूद ना रहें, कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आइदर सही है या गलत है। इवन जैसे पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल, जैसे पहला पार्ट दूसरा पार्ट, तो ये आपको इस प्रोसेस से गुजारने की खातिर ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट रखा है। द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग एक्टिव साइट इज कॉल्ड एक्टिव साइट ऑफ, जैसे देखिए आपको पता है कि हर एक एंजाइम का एक जैसे एक्टिव साइट या जगह या प्लेस होती है, एक्टिव साइट यू नो वेरी वेल, एक्टिव साइट होती है। तो एक्टिव साइट पे उस जगह पे जैसे अगर कोई चीज जैसे इन आके सबस्ट्रेट को बाइंड होने से रोके, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग एक्टिव साइट, जैसे ये एक्टिव साइट है, अगर इस जगह पे एक्टिव साइट को जैसे इनहिबिट हो, ये ब्लॉक कर दे, कोई ऐसा इनहिबिटर आए तो यकीनन हम इसे कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे ये कोई अब इनहिबिटर आया है तो इस इनहिबिटर का नेम होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यू नो वेरी वेल कि ऐसे इनहिबिटर को हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सच इनहिबिटर इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे। ठीक है, यकीनन ऐसा लफ्ज आपने याद किया होगा, पढ़ा होगा, तो अब ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आसान है, डिफिकल्टी इसमें कोई नहीं है। जैसे एलोस्टेरिक साइट पे अगर कोई इनहिबिटर होता है तो उसे हम कहते हैं ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो ये फर्स्ट जैसे 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट एक्सट्रीम चेंज इन पीएच रिजल्ट्स इन, वेरी क्लियर है पीएच में अगर जैसे चेंज आती है, जैसे आपको पता है कि उसमें डीनेचुरेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम नहीं होती, जैसे इनएक्टिव एंजाइम देन एक्टिव ऐसी कोई बात नहीं, और डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम है और एक्सट्रीम चेंज है बिकॉज एक्सट्रीम चेंज इन पीएच है, जो नॉर्मल एक पीएच का वैल्यू होता है जिसपे एंजाइम एक्टिविटी होती है उसका एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पीएच वैल्यू।
डीकम्पोजिशन ऑफ एंजाइम नहीं होता, ऑल ऑफ दिस पॉसिबल नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम है, इस वजह से ऑल ऑफ दिस जो है ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बहरहाल डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाउ, जैसे हम जनरली कहते हैं ना एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, एक तो नंबर वन दे शो देयर एक्शन ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, जैसे आपको पता है कि हमने पढ़ा था, जैसे अगर सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है सक्रोज सबस्ट्रेट है, तो उसकी यकीनन सक्रेज एंजाइम है और इसकी सबस्ट्रेट होगी सक्रेज, तो यानी दे शो देयर एक्शन ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, तो ये सक्रेज एंजाइम होगा सिर्फ और सिर्फ सक्रोज इसकी सबस्ट्रेट होगा, उस पर एक्शन होता है। दे हैव स्पेसिफिक केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग ये होती है, जैसे आपको पता है खास तौर पे हर एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे स्पेशली जो है इससे ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर जो है बाइंडिंग होती है, तो ये इनकी एक स्पेशल ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है ताकि उसमें सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बने, अदरवाइज जैसे आपको बताया को कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है, बॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी होता है। एंड दे हैव पर्टिकुलर शेप, ओवरऑल लुक जो होगा एंजाइम का वो पर्टिकुलर होता है, तो इस वजह से ये तीनों पार्ट सही हैं। 28 नंबर पे और अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, तो आपको पता है कि ये जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते लॉक एंड की मॉडल तो यकीनन आप जवाब सही दे देते, तो इसमें यानी दो पार्ट हो गए, इस एमसीक्यू के अंदर दो पार्ट हो गए, कौन सा, एक पार्ट ये हुआ कि एमिल फिशर ने कौन सा मॉडल दिया था और उस मॉडल में क्या पोजीशन है या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, अगर फ्लेक्सिबल होता तो ये इंड्यूस फिट मॉडल होता और इंड्यूस फिट मॉडल जो है एमिल फिशर ने नहीं दिया था, ठीक है, तो इस वजह से एक्टिव साइट इज रिजिड, ये की लॉक मॉडल है जो एमिल फिशर ने दिया था। वाइटामिन्स आर इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम, जैसे आपको पता है कि थोड़ा सा जैसे हमारे सिलेबस में थोड़ी सी ऐसी टर्मिनोलॉजी मौजूद है, तो बेसिक चीजें दी थी एंजाइम की स्ट्रक्चर के हवाले से, तो आपने जैसे ये पॉइंट नोट कर ली थी, याद गिर ली थी, बाकी ये इसमें पार्ट नहीं है। द फाइनल प्रोडक्ट अनिल सर ठीक एरो उसके बाद नंबर 30 नंबर पे क्वेश्चन है, द फाइनल प्रोडक्ट इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इनहिबिट्स एंजाइम फ्रॉम एन अर्लियर स्टेप इन द सीक्वेंस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, जैसे आप स्टूडेंट को याद होगा जैसे हमारे एसटीबी के अंदर भी टॉपिक है एज वेल एज एनटीबी में भी टॉपिक है, जैसे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, सीरीज की मीनिंग होती है जैसे कोई ये इनिशियल एक सबस्ट्रेट है उस पे एंजाइम नंबर जैसे वन ने एक्ट किया तो प्रोडक्ट बनी, उसके ऊपर एंजाइम नंबर टू ने देन एक और प्रोडक्ट बनी एंजाइम नंबर थ्री, और फाइनली जैसे एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसने क्या किया द फाइनल प्रोडक्ट, ये जो जैसे ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट इन ए सीरीज ऑफ रिएक्शन एंजाइम इनहिबिट्स एन एंजाइम फ्रॉम एन अर्लियर स्टेप, अर्लियर स्टेप क्या होगा, यकीनन जो पहला एंजाइम होगा इसकी एक्टिविटी को, इस एंजाइम नंबर वन की एक्टिविटी को अब ये ब्लॉक करेंगे, द सीक्वेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऐसी सीक्वेंस, एग्जाम्पल को हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे बिकॉज एक ऐसी प्रोडक्ट बनी है जिसकी वजह से ये पूरा आगे जो रिएक्शन हो रहा था सीक्वेंस में ये पूरा स्टॉप हो गया इस प्रोडक्ट की बनने की वजह से, इस फाइनल प्रोडक्ट की बनने की वजह से, तो इसे हम कहेंगे फीडबैक, ये जो कौन सी है नेगेटिव फीडबैक है। अगर ऐसी इस फाइनल प्रोडक्ट की वजह से और भी जैसे प्रोडक्ट बनती जाती रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ता तो यकीनन हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक है, तो इस प्रोडक्ट के बनने से पूरा रिएक्शन जो है शट डाउन हो गया तो ये नेगेटिव फीडबैक है। जनरली कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स आर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था जैसे एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उस एक्टिव साइट पे जैसे कोई उसकी ओरिजिनल एक सबस्ट्रेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसकी सबस्ट्रेट ओरिजिनल, बट एक ऐसा इनहिबिटर बिल्कुल इस जैसी शेप होती है, बिल्कुल इस इनहिबिटर की बिल्कुल इस जैसी शेप होती है बट कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से ये ओरिजिनल जो होती है ये सबस्ट्रेट जो उस पर बाइंड नहीं कर सकती है, तो इससे बिल्कुल वेरी सिमिलर टू सबस्ट्रेट होते हैं तभी तो वो एक्टिव साइट पे आते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे एक लॉक है उसमें एक ओरिजिनल की होती है, बाकी उस जैसे लॉक के अंदर कई ऐसी कीज आती हैं, अंदर तो होल की होल के अंदर कीज तो आती है बट ओपन नहीं होती है, इसी तरह से इस एक्टिव साइट पे काफी सारी सबस्ट्रेट आ तो सकती है
बट केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो ऐसे इनहिबिटर को हम कहेंगे जो बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा है, वो आपको पता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, सिमिलर टू सबस्ट्रेट। ये एनटीबी के अंदर बिल्कुल स्टेटमेंट है, जो वहीं से जैसे ये क्वेश्चन लिया गया था, तो इसी तरह से ये 2031 हुआ। अब हम नेक्स्ट आते हैं, 31 के बाद 32 भी आते हैं सब। सीरीज के लिए 1 2 ना 1 2 3 तो हो गए, 31। शुरू 1 2 3 है, 31, ये 31 ना है। नंबर हाँ 32 करा। ये 72 देख लेते हैं तब तक। हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन टीआरएनए, आखिरी बिल्कुल टीआरएनए के अंदर 3 लूप्स होते हैं। आपको पता है टीआरएनए की जो शेप, आप स्टूडेंट्स को याद होगा टीआरएनए के बारे में, 3 उसकी जो लूप्स होती हैं, 1 2 3 लूप्स है, 1 2 3 लूप्स है। तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, आसान रखिए। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट, जैसे आरएनए और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जैसे बायो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का सेक्शन रखा था, रिमेनिंग जो पोर्शन है फुल एंट्री का नहीं हुआ है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वो बिल्कुल टेस्ट होंगे, कोई भी पार्ट नहीं रहेगा। ये हमारी अरेंजमेंट थी कि पहले, इससे पहले जो टेस्ट थी उसमें इस पोर्शन में कम क्वेश्चन थे तो ज्यादा रखें, और दोबारा से जब रिमेनिंग पोर्शन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होगा, वो जैसे फुल एंट्री की नहीं हो उसमें, ये हम ले लेंगे टेस्ट इसकी, ठीक है। बहरहाल सी सी ए न्यूक्लियोटाइड इज फाउंड इन, जैसे आपको पता है कि जैसे एक 5 प्राइम एंड होता है और दूसरा होता है 3 प्राइम एंड, तो 3 प्राइम एंड पे जैसे सी सी ए सेगमेंट है, सी सी ए है, और किन किन जगहों पे इसका ए सी सी भी लिखा होता है किन किन बुक्स में, बट हमारे एनटीबी के अंदर डायरेक्टली इसका सी सी ए लिखा हुआ है, शायद टेस्ट के अंदर ए सी सी हो गया है, तो उसको जो है सी सी अगर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली कर लेंगे, तो यहाँ पे जो 3 प्राइम एंड है इसके साथ आपको पता है अमाइन एसिड की अटैचमेंट होती है, तो ये अगर ए सी सी ए किन किन जगहों पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक एनटीबी में सी सी ए लिखा हुआ है, तो एनटीबी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, तो इसमें सी सी ए शायद उसमें मिस्टेक कुछ रह गई थी, तो ये 3 प्राइम एंड ऑफ टी आर एन ए में होता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल दे आर जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड, जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड, दे कंटेन
जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मीन्स डबल स्ट्रैंडेड। जैसे एक खास तौर पे जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की सीक्वेंस है, ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं है। बट किन किन जगहों पे जैसे फोल्डिंग होती है जैसे, तो कॉम्प्लीमेंट्री थोड़े बहुत बन जाते हैं। अदरवाइज आरएनए जितने भी होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। दे कंटेन ए टी सी जी बेसिस। जैसे कि आपको पता है कि थायमिन बेस है वो आरएनए में नहीं होता है, इस थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। इस वजह से नंबर टू पार्ट जो है इसका रॉन्ग है, गलत है। और दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है, तो यानी इसमें वन एंड थ्री करेक्ट है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ आरएनए, टोटल आरएनए कंटेंट्स? जैसे आरएनए के थ्री टाइप्स है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, तो उसमें टोटल प्रोपोर्शन है कितना है? आरआरएनए सबसे ज्यादा 80% ऑफ टोटल आरएनए है। एनटीबी का एक क्वेश्चन है, उसमें लॉजिक कोई नहीं थी, याद करना, बिकॉज बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर क्रैमिंग मेमोराइजेशन का काम ज्यादा है। आपसे वही काम ले रहे हैं कि इन चीजों को आप याद करें। इसी तरह से विच टाइप ऑफ आरएनए स्मॉलेस्ट अमंग थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए? टीआरएनए स्मॉलेस्ट है, टीआरएनए, ठीक है। आपने जैसे पढ़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक प्लेस ऑन राइबोसोम फॉर बाइंडिंग ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस? जैसे थीटा लूप है, जैसे आपको पता है थीटा लूप, उसके साथ एंजाइम की बाइंडिंग जैसे होती है, वो एक एंटी कोडन एंड होता है जैसे आपको पता है। तो ये ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन है, ठीक है। हनीफ साहब, अब 32 नंबर कहाँ पे होगा? सर नंबर थर्ड नंबर पेज जो पेज ये फर्स्ट की थर्ड नंबर। थैंक यू अनिल साहब फॉर योर एक्सपर्टीज। तो 32 नंबर पे हमारे, जैसे आपको पता है कि सल्फोनियामाइड एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू कॉम्बैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये ऐसे इन्फेक्शन जैसे आपको पता है कि उसमें एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट दी जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट दी जाती है इस मकसद के खातिर, ताकि जो है बैक्टीरिया की फर्दर मल्टीप्लीकेशन या रिप्रोडक्शन ना हो। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर पेनिसिलिन के बारे में लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कैसे वर्क करती है, की इनहिबिटर, इनहिबिटर के तौर पे काम करती है। किसके लिए इनहिबिशन? फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ऐसे एंजाइम जो सेल वॉल बनाते हैं उनकी सिंथेसिस को रोकते हैं। जाहिर है, जब न्यू सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का एक रोल जो है एंजाइम इनहिबिटर के तौर पे है, ठीक है। तो ये सल्फोनियामाइड एंटीबायोटिक्स यूज टू कॉम्बैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उनका जो रोल है, इस ड्रग का रोल है इनहिबिटर का है। इसी तरह ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स एक्सेप्ट? जी, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही, रेट ऑफ रिएक्शन। दे आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जैसे आपको पता है कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन एंजाइम की शक्ल में कोई भी जैसे चेंज या तब्दीली नहीं आती है, कंज्यूम नहीं होते, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक, सारे एंजाइम के एक नहीं है जो नंबर टू पे है। देर आर प्रोटीनियस इन नेचर, तो ये बेसिक सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑब्जर्व द बिलो मेटाबॉलिक पाथवे एंड आंसर अकॉर्डिंगली। इसके बारे में जैसे स्टूडेंट, जैसे हालांकि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ था, जैसे दो जगहों पे मौजूद है, एनटीबी में मौजूद है एज वेल एज एसटीबी में मौजूद है। उसमें जैसे एफ जी एच आई, जैसे आपको पता है कि ये जैसे सबस्ट्रेट है ओरिजिनल, जैसे ये सबस्ट्रेट है, एफ इज द ओरिजिनल सबस्ट्रेट। एफ पे जब एंजाइम नंबर वन ने एक्शन किया तो उसके रिजल्ट में जी बना, जी इसकी प्रोडक्ट है। बट चैन रिएक्शन के अंदर जी सबस्ट्रेट है, उस पे एंजाइम नंबर टू ने एक्शन किया तो उसमें एंड प्रोडक्ट एच बनी, एच जो है सबस्ट्रेट हो जाएगी एंजाइम नंबर थ्री के, जिसमें फाइनली अल्टीमेटली आई बनेगा। आई जैसे नेक्स्ट एंजाइम नंबर फोर की सबस्ट्रेट है, जिसके रिजल्ट में फाइनल प्रोडक्ट, जैसे बार बार जैसे हमारे एनटीपी वगैरह ऐसे बुक्स होंगी जिसमें ये जे इज द फाइनल प्रोडक्ट, इससे हम कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट कहेंगे। तो ऑब्जर्व द बिलो मेटाबॉलिक पाथवे एंड आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जे इसकी फाइनल प्रोडक्ट है, इफ एंजाइम नंबर वन इज एब्सेंट, अगर ये एंजाइम नंबर वन नहीं है, जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा था, अगर इस एंजाइम को अगर मिस किया जाए, इसको यहां से रिमूव किया जाए या ना अवेलेबल हो, तो रिजल्ट क्या होगी? एंजाइम नंबर वन नहीं होगा तो जी नहीं बनेगी, जी नहीं बनेगा मीन्स ये प्रोडक्ट, तो जाहिर है नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में एंजाइम नंबर टू की ये सबस्ट्रेट है,
इंजाइम अगर भले अवेलेबल हो बट ये सबस्ट्रेट नहीं होगी तो इंजाइम किस काम का, नहीं कुछ भी नहीं होगा, तो एच भी नहीं बनेगी, आई भी नहीं बनेगी, अल्टीमेटली जे भी नहीं बनेगी, बिकॉज एंड प्रोडक्ट जे है। तो इसके ऑप्शन है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जे विल बी इंक्रीज। इंजाइम नंबर वन जैसे स्टॉप हो गया नहीं है तो जे कहां से बनेगा, नहीं बनेगी, इसकी जो प्रोडक्ट नहीं होगी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जे विल बी डिक्रीज्ड, जे विल बी डिक्रीज, यानी पहले जो ज्यादा हो रही थी थोड़ा उसका रेट कम हुआ है, यानी बनती रहेगी। डिक्रीज की मीनिंग है उसका कम, स्टॉप की बात नहीं है, डिक्रीज की बात है, तो डिक्रीज वाली बात ही नहीं है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जी विल बी स्टॉप, फौरन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा चेन रिएक्शन है, ये टर्मिनेटिव स्टॉप या फिनिश या खत्म हो जाएगा, तो यानी इसकी जे विल बी स्टॉप, यही पार्ट इसका सही है। डिक्रीज का मतलब है कि कंसर्न, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा ज्यादा हो रहा था उसका थोड़ा सा कम हुआ है तो उसे हम कहेंगे डिक्रीज कहेंगे। स्टॉप की मीनिंग है बिल्कुल स्टॉप, यानी कोई रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एफ इज डिक्रीज, एफ तो इनिशियल जैसे सबस्ट्रेट है तो बस एफ का तो इस पाथवे से कोई रिलेशनशिप नहीं है, पाथवे ये है, इसी पाथवे से आपसे सवाल पूछे गए थे एफ जी एच आई एंड जे, तो यानी एफ पार्ट का कोई इसमें लाइक इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है। पूरी इस चयन ऑफ जैसे रिएक्शन था, सीरीज थी, सीक्वेंस थी, उसके बारे में पूछा गया है, तो यानी उसमें सही जवाब है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जे विल बी स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जैसे द रेट ऑफ, अच्छा 35 नंबर पे है, द बॉन्ड्स विच आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर आर टेम्परेचर सेंसिटिव बॉन्ड्स है, यकीनन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो हमने पढ़े हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज द बुक की। एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल कैन बी रेगुलेटेड बाय इट्स प्रोडक्ट, एसटीबी में भी पार्ट है यही और एनटीबी में मौजूद है बाय इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह से 36 के बाद हम आएंगे 37 नंबर पे आएंगे, 37 नंबर पे आएंगे, 37 नंबर हनीफ साहब सेकेंड रो में होगा, सेकेंड रो, थैंक यू अनिल सर, यू हैव ग्रेट कमांड अबाउट योर क्वेश्चन सीक्वेंस, अनिल साहब इज टाइपिस्ट ऑफ होल दिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट पैटर्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्ट्रॉय एंजाइम बाय अल्टरिंग इट्स शेप, फॉलोइंग कैन डिस्ट्रॉय एंजाइम बाय अल्टरिंग इट्स शेप, जैसे आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि रिवर्सेबल जैसे इनहिबिटर होते हैं, तो रिवर्सेबल रिवर्सेबल वर्ड से आप जाहिर है कि रिवर्सेबल की मीनिंग है ये इनहिबिटर दूर हो जाएगा, एंजाइम से परे हो जाएगा, तो इसमें डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, रिवर्सेबल है, तो यानी पहले पार्ट पे भी आप ना जाए, भले वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो बट रिवर्सेबल तो है। इरिवर्सेबल होते हैं जो वही एंजाइम की शेप को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसी में जवाब मौजूद था, आप यकीन थोड़ा बहुत सोचते तो इसका स्टेटमेंट एनटीबी की स्टेटमेंट से ही सवाल लिया था। इनएक्टिवेटेड एंजाइम अपॉन लो टेम्परेचर, अपॉन लो टेम्परेचर की मीनिंग ये होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले जो है नॉर्मल रिएक्शन, जैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था, जैसे पहले नॉर्मल एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा था, ये जैसे आपको पता है कि ये टेम्परेचर की लाइन है, एक्स एक्सिस टेम्परेचर है और वाई एक्सिस जैसे ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, बट क्या हुआ कि उसके बाद जैसे टेम्परेचर में जैसे हम कहें कि डिक्रीज हुई है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर में डिक्रीज हुई है तो जाहिर है रेट ऑफ रिएक्शन जो एंजाइम का वो कम हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और टेम्परेचर वापस उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे तो वापस वही सेम जो है रिएक्शन हो सकता है, तो इस ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ले आने का जो टेम्परेचर होगा, यकीनन उसके लिए हमने एक टर्म पढ़ा है वो हमने लाइक एनटीबी के अंदर मौजूद है, मिनिमम पे, मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं है, ऑप्टिमम पे तो जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा था, लोअर टेम्परेचर की बात ही नहीं है, यानी एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम अपॉन लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की वजह से एंजाइम इनएक्टिव हो गया था, अब वो वापस जैसे अपने कैटालिटिक एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा तो यकीनन हम थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो उस टेम्परेचर को हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद थायोल इज सल्फाइड्रल ग्रुप, आप सबको पता है सल्फाइड्रल ग्रुप थायोल जो है इसका ऑप्शन ही नहीं है, सल्फाइड्रल ग्रुप है थायोल, बाकी ग्रुप से इसके कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका, नन ऑफ दिस। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इज यूजुअली कॉम्पिटेटिव होती है, टेम्पररी होती है, इनहिबिटर आता है, बट जैसे ही आपको पता है कि उस जगह पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करते हैं तो वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है उस एक्टिव साइट से दूर हो जाता है।
जैसे अगर और अगर ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है और अगर इसकी जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे, ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे तो यकीनन जैसे ये इनहिबिटर होगा इस जगह से यहाँ से चला जाएगा, खाली हो जाएगी एक्टिव साइट, तो इसे हम कहेंगे कि ये जो है टेम्पररी है, आरजी इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इज टेम्पररी, जनरली परमानेंट नहीं है। नॉन कॉम्पिटेटिव जैसे वो साइनाइड आपको पता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो वो इरिवर्सिबल होते हैं, ये परमानेंट हो गए। द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम दैट इज नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिविटी, जैसे आपको पता है हमने एसटीबी के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी पढ़ा था टर्शरी स्ट्रक्चर, जनरली एंजाइम की 3D स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ये एंजाइम की स्ट्रक्चर होती है। 41 के बाद जैसे हम नेक्स्ट आएंगे 42, व्हेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस इन एंजाइम ब्रेक, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, हमने ये भी एनटीबी के बारे में टेक्स्ट बुक में मौजूद है डाइसल्फाइड ब्रिजेस के बारे में, आई थिंक 69 पेज भी मौजूद है, सेकेंड पैरा में इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में दीज ब्रिजेस आर इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए डाइसल्फाइड ब्रिजेस मौजूद है, तो वो स्ट्रक्चर वो ब्रिजेस अगर ब्रेक होंगी तो जाहिर है एंजाइम बिकम डीनेचर्ड, एंजाइम डीनेचर हो जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जब हमने रेगुलर क्लासेस लिए थे तब हमने नोट किए थे और आपने तकरीबन जो है काफी सारे स्टूडेंट ने सही किए बायोलॉजी के हवाले से, बायोलॉजी के हवाले से सारे क्वेश्चन मोस्टली जैसे स्टूडेंट्स सही करते आ रहे हैं। अगर कोई पेज नहीं, ये भी फोर्टी थ्री आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जैसे साइनाइड और एचजी मर्करी, ये जो जैसे आपको पता है कि नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, मेलोनिक एसिड है, वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की कैटेगरी में आता है। एनटीबी का सवाल है जो आपको यकीनन कैटेगरी वाइज इसे याद होंगे तो वो सही है, लॉजिक कोई नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी, जैसे आपको पता है साइनाइड जो इनहिबिट करते हैं पॉइजन, जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी और डेथ हो सकता है। विच एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, इट इज नोन एज, अगर किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी अगर अपनी ही प्रोडक्ट जैसे एंड प्रोडक्ट की वजह से, जैसे एंजाइम नंबर 1 पे जैसे आया था तो एंजाइम नंबर 1 ने काम नहीं किया था चैन रिएक्शन के अंदर, आपने जैसे देखा वही सेम क्वेश्चन है फीडबैक इनहिबिशन, जनरली इसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, एक होती है पॉजिटिव होती है दूसरी होती है निगेटिव, आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक इनहिबिशन, तो वो तो जनरल कैटेगरी में आते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज जैसे सवाल है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, इससे पहले भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि ऑलमोस्ट एक्टिविटी ऑफ एवरी एंजाइम इज रेगुलेटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, वही सेम बात है। अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है, हनीफ साहब ये 46 नंबर क्वेश्चन है, लॉक एंड की मॉडल, की पार्ट यहाँ पे शायद मिस हो रहा है, लॉक एंड की 46 नंबर, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है डेफिनेट शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर, जैसे बाकी सारे ऑप्शन है इसमें जैसे कंफ्यूजिंग थे, जिसमें काम की वाली बात कोई भी नहीं है, जैसे इनडेफिनेट शेप तो नहीं हो सकती है, डेफिनेट है, तो पहले और दूसरे ऑप्शन में इनडेफिनेट पड़े हैं, तो यानी आगे आप सोचें ही ना क्या लिखा हुआ है, डेफिनेट शेप है, बट सी में जैसे देखिए सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर तो वो इंड्यूस फिट मॉडल में होती है, तो उसका यकीनन जो है डी ऑप्शन सही हुआ। 47 बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम नंबर ऑफ डैश सो मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, तो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, जैसे आपको पता है कि सबस्ट्रेट अगर ज्यादा पड़ी है आप एंजाइम उसमें ऐसा ऐसा ऐड करते जाएंगे, जितने ऐड करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही तेज होता है, सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएंगी, प्रोडक्ट बनाती जाएंगी,
एक्टिव साइट बिकम मोर अवेलेबल। ठीक है, जितनी आप एंजाइम ज्यादा ऐड करेंगे, सब्सट्रेट पड़ी है, अवेलेबल पड़ी है, तो जाहिर है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, एक्टिव साइट जो अवेल मोर अवेलेबल हो जाती है। नंबर 48, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर काज डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, ये ग्राफ के अंदर भी दिखाया गया है। और एक सर्टेन पॉइंट तक, पॉइंट की मीनिंग ये होती है, जैसे हमारी ह्यूमन बींग के हवाले से मेटाबोलिक एक्टिविटीज होती है या मेटाबोलिज्म होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एंजाइम एक्टिविटी यकीनन जो है कम हो जाती है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में हमने पढ़ा है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो यकीनन एंजाइम एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है। वही है आफ्टर सर्टेन पॉइंट, जैसे अगर पहले पहले अगर टेम्परेचर कम है, अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। एक मैक्सिमम जैसे रिएक्शन होगा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, जैसे हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे अगर बढ़ेगा तो यकीनन जो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज इन द रिएक्शन रेट होगा। ठीक है, ये 48 हो गया, बाकी ऑप्शन इसके ठीक नहीं है। अब हम नेक्स्ट 49 क्वेश्चन में आएंगे। वही पिक्चर है, इंसर्ट पिक्चर साइज घनी है, साइज वही है बाबा, नथो ओपन थे 10 MB से साइज बड़ी है। चलो आगे चलते हैं इससे। ये भी 10 MB से पेज नंबर 64 पे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के फंक्शन दिए गए हैं, जिसमें दो लाइन में जैसे इनकी इक्वेशन भी दी गई है। तो ये सारे जो फंक्शन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वगैरह, और ये सारी चीजें जैसे ये 1, 2, 3 जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के काम है। ऑब्जर्व द बिलो ग्राफ शोइंग एंजाइम एक्टिविटी एंड आंसर करेक्टली अबाउट एक्स एक्सिस।
जैसे इसमें शायद की में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बट आप स्टूडेंट्स को उनकी मार्क्स अवार्ड हो चुकी थी टेस्ट में। तो इसमें जैसे आप देखें, आप पहले सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखें है क्या। जैसे वाई एक्सिस के अंदर परसेंटेज मैक्सिमम एक्टिविटी जैसे दिया गया है, मैक्सिमम एक्टिविटी, बट एक्स एक्सिस में बताया नहीं गया है। तो एक्स एक्सिस में आप जैसे देखें 0, 20, 40, 60, तो ये पीएच तो यकीनन नहीं होगा, टेम्परेचर है। और ऑप्टिमम एक्टिविटी जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिखाया गया है, तो ये टेम्परेचर को शो कर रहा था, बट इसमें ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दिस। इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट कंसंट्रेशन नहीं है, इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन भी नहीं है, ए एंड बी भी नहीं है, और तो इस वजह से नन ऑफ दिस था। ठीक है, इसी तरह से एंजाइम कैरी आउट वन पर्टिकुलर फंक्शन, दिस स्टेटमेंट इज लॉक एंड की मॉडल। तो उनका लॉक एंड की मॉडल का यही जैसे था, रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से ओनली वन फंक्शन था। आइडेंटिफाई द एलोस्टेरिक एंजाइम अमंग द फॉलोइंग। एलोस्टेरिक जैसे यूरियाज है, माल्टेज है, ये तो वेरी सिंपल एंजाइम है, और इसी तरह से हेक्सोकाइनेज के बारे में लिखा हुआ है, एलोस्टेरिक है, एनटीबी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से अब हम नेक्स्ट आएंगे 53 पे, द इंक्रीजिंग द पीएच रिजल्ट इन मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम इज पीएच रिजल्टिंग इन मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। किसी भी एंजाइम की जो एक मैक्सिमम एक्टिविटी है, यानी रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच उस पर होती है। अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच से कोई भी चीज कम हो या ज्यादा हो, तो जाहिर है एंजाइम एक्टिविटी जो है इतनी बेहतर नहीं होती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, एंजाइम डी नेचर भी हो सकते हैं। तो ऑप्टिमम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कॉम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट टू ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट। हमने दो तीन बार यहाँ पे डायग्राम बनाई है, एक्टिव साइट पे इनहिबिटर वो आता है, एक्टिव साइट पे आके इनहिबिट उस सबस्ट्रेट को बाइंड होने नहीं देता है, इनहिबिट करता है। तो ये सादा सा ही सवाल है। रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज, दिस अकर्स ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट एंड एट अ हाई टेम्परेचर। जैसे पहले थोड़ा टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्टिविटी इतनी बढ़ती जाएगी, जैसे हाई टेम्परेचर उसके बाद देंगे तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट होगी एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइम डी नेचर हो जाता है, स्टार्ट टू डी नेचर। उसके बाद फिनोमेना इन विच एंजाइम फेल्स टू कैटलाइज रिएक्शन इज कॉल्ड एज, जाहिर है एंजाइम का जब कोई भी रिएक्शन अगर ना हो, स्टॉप हो जाए एंजाइम एक्टिविटी, तो उसे हम एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे, एक्टिवेशन नहीं कहेंगे, डी एक्टिवेशन नहीं कहेंगे, डी नेचुरेशन नहीं कहेंगे। डी नेचुरेशन में एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिस्ट्रॉय होती है। हेवी मेटल मर्करी कैन ब्रेक डाइसल्फाइड ब्रिज ऑफ एंजाइम, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। डाइसल्फाइड ब्रिजेस टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है, वो ब्रेक हो जाती है तो डी नेचर हो जाता है। 58 द कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड एस्पिरेट इनटू थ्रियोनीन रिक्वायर्स हाउ मेनी एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये हमने जैसे पढ़ा है 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन। एनटीबी का सवाल है डायरेक्ट, ऐसे कभी कभार ऐसे वेरी सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। देन जो है 59 भी हम आएंगे, 59 क्वेश्चन है। सब थर्ड रो में होगा, किसमें हुआ? कोई नंबर प्रॉपर नहीं है, 68 है। The activity of two enzyme has been represented in blue graph. The label part G indicates. जिसे देखें आप ग्राफ को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस को देखें। अब x एक्सिस में आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसी से रिलेशन है इस एंजाइम की जो एक्टिविटी का। अब जैसे देखिए ये डॉट्स हैं, ये इसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो एंजाइम नंबर G मैक्सिमम एक्टिविटी किस पीएच पे होगा, यकीनन 2 पीएच पे। ऐसा एंजाइम क्या हो सकता है, कौन सा हो सकता है? पेप्सिन एंजाइम। जब किसी भी एंजाइम की जैसे ये न्यूट्रल मीडियम पे एक्टिविटी है, ये कोई दूसरा एंजाइम होगा। इसी तरह से अगर कोई अल्कलाइन मीडियम पे किसी की एक्टिविटी है, कोई एनदर एंजाइम होगा। बट पीएच 2 पे कौन सी एक्टिविटी, किस एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है? पीएच 2 पे यकीनन पेप्सिन एंजाइम की है। ठीक है, इसी तरह से ग्राफ होते हैं। आज सर खालिद साहब ने आपको ग्राफ पढ़ाए थे, बिल्कुल वही पैटर्न है हमने पढ़ा है। एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट्स, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज प्रॉपर काम क्या है उसका?
सक्सीनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करना। आप इस जगह पे है कि याद कर लें कि एक इनहिबिटर आता है, मेलोनेट इनहिबिटर होगा, यकीनन इस एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, रोक लेता है, ठीक है। बाकी जैसे एंजाइम सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज का काम यही है, सक्सीनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करना। उसके बाद फॉर ए प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 300 अमाइनो एसिड द एमआरएनए विल बी लेंथ ऑफ, जैसे आपको पता है कि ट्रिपलेट कोडान होता है एमआरएनए के अंदर, ट्रिपलेट कोडान यानी 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ट्रिपलेट, 1 ट्रिपलेट कोडान कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड का तादाद कितना है 300, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस कितनी होगी मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 900, ठीक है। ये आपने जैसे पढ़ा हुआ है, खासतौर पर इंटर क्लास के स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा पढ़ा हुआ है और फर्स्ट ईयर वालों ने भी पढ़ा है। कोडॉन्स आर द ट्रिपलेट्स ऑफ अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एमआरएनए की लेंथ में जो ट्रिपलेट होते हैं उन्हें हम कोडॉन कहते हैं, टीआरएनए में नहीं, आरआरएनए में नहीं, डीएनए में भी नहीं, बट ये जो एमआरएनए कोडॉन आर द ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एमआरएनए होते हैं उन्हें हम कहते हैं ये ट्रिपलेट है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कोई रहे या नहीं, कौन से आ रहे हैं, कौन से रहे, एक शायद रहे, विच टाइप ऑफ आरएनए इज स्मॉलेस्ट, ये हो गई या नहीं, टीआरएनए सबसे स्मॉलेस्ट है। प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, विच टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल पिक्स अप अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। आप स्टूडेंट को याद है कि जैसे हमने प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर एक हेडिंग में पढ़ा था, यकीनन पढ़ा था, आप स्टूडेंट को याद होगा कि जैसे टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए का काम होता है जिसके अंदर एक अमाइनो एसिड एंड होता है, तो ये जो है अमाइनो एसिड को पिक करता है, पिक करके राइबोसोम तक लाता है, यहाँ पे एमआरएनए होता है, तो ये जो टीआरएनए है इसका ही काम होता है साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड्स पड़े हैं इनको राइबोसोम की तरफ ले आना, ये टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए काम ही वर्ड से जाहिर है ट्रांसफर करता है, कहाँ से साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। अच्छा उसके बाद मिडिल लूप ऑफ टीआरएनए कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बेसिस, मिडिल लूप ऑफ टीआरएनए, जैसे आपको पता है कि टीआरएनए की जो थ्री लूप्स होती हैं मिडिल लूप है जिसमें एंटीकोडान होता है और इससे एंटीकोडान वाली लूप के अंदर टोटल जो बेसिस होते हैं 7 बेसिस होते हैं जिसमें मिडिल पे बिल्कुल 3 ऐसे बेसिस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीकोडान कहते हैं। 81 है द टाइप ऑफ आरएनए दैट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस किस जगह पे होती है राइबोसोम में, राइबोसोम में कौन सा प्रोटीन है, इसकी कंपोजिशन में आपने जैसे पढ़ा है कि आरआरएनए प्लस प्रोटीन होते हैं, तो सही जवाब इसका यकीनन आरआरएनए है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है जिस जगह पे ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प देता है। उसके बाद है फ्लैट क्लोवर शेप्ड, क्लोवर एक ग्रास का नेम है, घास का नेम है, प्लांट का नेम है, जिसके लीव्स जो है इसे 3 जैसे लूप्स की सूरत में होते हैं, टीआरएनए की बारे में बात हो रही है, तो ऐसा टीआरएनए लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल आर नॉट फाउंड इन, ठीक है। ये इसमें थोड़ी सी की में एरर हो गया था, ये दोनों बुक की कॉम्बिनेशन है, एसटीबी और एनटीबी के अंदर दोनों को एग्जांपल्स को मिला के ये सवाल रखा गया था, लिपोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन, ब्लड के अंदर मौजूद है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की हेडिंग में, एक योग के अंदर मौजूद है, एनटीबी के अंदर ये पढ़ा है एक योग का एग्जाम्पल, माइलिन शीथ एसटीबी के अंदर पड़ा है, तो यानी नन एज इट इज फाउंड इन एबीसी, लिपोप्रोटीन ए में भी पड़े हैं, बी में भी पड़े हैं, सी में भी पड़े हैं, तो इसका जो जवाब जो है इसका लास्ट वाला जो है ये ठीक है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट जो है आई थिंक एक कोई रह गया है शायद, जो रह गया स्टूडेंट बताएं, इसमें पता ही नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज अमाउंट ऑफ लिपोप्रोटीन, ये भी जिस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनटीबी के अंदर है, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल म्यूकोइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन का अल्टरनेटिव नेम है म्यूकोइड, तो ग्लाइकोप्रोटीन यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ ग्लाइकोप्रोटीन, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है जो ग्लाइकोप्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आर एलडीएल लिपोप्रोटीन, जैसे वर्ड से जा रहा है माइलिन शीथ लिपोप्रोटीन है, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो होते हैं ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं।
88 इन ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट पार्ट बिलोंग्स टू ओलिगोसैकेराइड, जैसे मोस्टली जैसे ओलिगोसैकेराइड जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एसटीबी का क्वेश्चन है जो 88 नंबर में पड़ा है। यासिन साहब कोई एक पार्ट रह गया है, आप बताएं, स्टूडेंट से पूछेंगे कौन सा पार्ट है, आई थिंक हो गए या एक कोई रहता है, मुझे शक लग रहा है जी। 58 वाली सीरीज नहीं आई है, 58 वाली सीरीज नहीं, पता नहीं कौन सी ये। हाँ 59 in competitive inhibition the concentration of substrate is increased sufficiently then English का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से आप स्टूडेंट्स ने पता नहीं सही किया होगा या गलत किया है कि जैसे इन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेट इज इंक्रीज, जैसे इनिबिशन है कॉम्पिटेटिव, जैसे ये इंजाइम है उसकी एक्टिव साइट है और एक्टिव साइट पे अगर कोई इनिबिटर आया, फॉर एग्जाम्पल ये इनिबिटर आ गया है, तो अब इस जगह पे क्या किया जाएगा, इस जगह पे जैसे अगर सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए, ओरिजिनल जैसे सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो रिजल्ट क्या होगी कि ये इनिबिटर यहाँ से निकल जाता है, तो यानी इसमें सब्सट्रेट विल आउट कॉम्पीट द इनिबिटर, यानी सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो इनिबिटर था उसको उस जगह से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो वर्ड जो आउट कॉम्पीट है, जैसे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर यानी कॉम्पीट कर रहा है एक्टिव साइट, आउट कॉम्पीट की मीनिंग है उसको जैसे निकाल देते हैं, कौन निकाल देता है, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा करेंगे तो ये इनिबिटर इस जगह से चला जाता है। ऑप्शन क्या थे, सबस्ट्रेट विल इंक्रीज द इनिबिटर, सबस्ट्रेट इनिबिटर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसी तरह से सी ऑप्शन था सबस्ट्रेट विल कॉम्पीट द इनिबिटर, सबस्ट्रेट जो ऐसे कॉम्पिटिशन नहीं करेगी, इसको रिमूव करेगी, जब भी जिस तरह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये इनिबिटर यहाँ से चला जाता है, तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। एक्टिविटी ऑफ टू एंजाइम्स हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन ब्लू ग्राफ जी एंड एच शो, ये किसके बारे में शो कर रहे हैं, तो जाहिर है आपने देखा जैसे एक्स एक्सिस में जो है ये पीएच कंसंट्रेशन है उसको शो कर रहे हैं, तो ये एक जैसे न्यूट्रल मीडियम पे एंजाइम काम कर रहा है, दूसरा एसिडिक मीडियम पे काम कर रहा है, पीएच का इफेक्ट जो है इसमें दिखाया गया है, इफेक्ट ऑफ पीएच है, पीएच का इफेक्ट शो किया गया है। उसके बाद 61 है व्हाट इज ट्रू अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम्स मे बी यूज्ड मेनी टाइम फॉर अ पर्टिकुलर, मेनी टाइम्स यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, एक्सेप्ट अनट्रू है क्वेश्चन है, अनट्रू, अनट्रू की मीनिंग होती है फॉल्स। ऐसी चीजें आप जहन में रखें, स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ें, आइदर ट्रू पूछा गया है, अनट्रू पूछा गया है, फॉल्स पूछा गया है, या ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन है उसमें पहली पहली ट्रिक यही होती है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो अनट्रू पढ़ा है, जैसे हमारे जहन में ट्रू लिखा हुआ है तो हम सोचेंगे क्योंकि टेस्ट कर रहे होते ना तो ट्रू नजर आता है, अनट्रू नजर ही नहीं आता है, जैसे आप स्टूडेंट को कभी ऐसा फील हुआ होगा जब गलती हो जाती है फिर बाद में पता चला अच्छा हमने देखा ही नहीं कि जल्दी थी, टाइम कम था, ये था वो था, तो स्टेटमेंट को केयरफुली चार आंखें करके देखना चाहिए कि ट्रू है या अनट्रू है। व्हाट इज अनट्रू अबाउट एंजाइम्स, अनट्रू मीन्स फॉल्स है, तो पहली स्टेटमेंट जैसे एक एंजाइम है मेनी टाइम यूज हो सकता है, जैसे आपको पता है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसके रिजल्ट में जैसे अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगी, देन वही एंजाइम जैसे दोबारा से उसी सब्सट्रेट पे जो है मेनी टाइम वो यूज हो सकता है, उस वही सेम एंजाइम वही एक उसकी पर्टिकुलर सब्सट्रेट आके बाइंड होगी और रिएक्शन होता रहेगा, तो ये पार्ट सही है। एंजाइम्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिवेशन फॉर केमिकल रिएक्शन, ये नहीं, एंजाइम्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर डाउन करते हैं, लो करते हैं, ये गलत है। बाकी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी रेगुलेटेड, बिल्कुल रेगुलेटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, जैसे आपने पढ़ा है बाय इट्स ओन प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकता है। 62 इन एंजाइम टर्मिनोलॉजी मोस्टली द सफिक्स फॉर एंजाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे आपको पता है कि सेल्यूलेज, सक्रेज, माल्टेज, एएसी जैसे होता है, डीएनए लाइगेज, जैसे आपने पॉलीमरेज, एएसी सफिक्स होता है, यकीनन ये एंजाइम का पार्ट होता है। 62 पार्ट हो गया। यासिन साहब अगर और भी पूछें, अगर कोई एक रहता है शायद या नहीं, कौन सा पार्ट रहता है, आई थिंक अब तो हो गए होंगे। निशांत साहब, अनिल साहब, कोई
85 वाला छठी 83 ये तो हो चुके हैं ना. हाँ 83 थी केड़ो है तो बुधा है शागिर्दनि खां पुछी वठो मां थर्ड का लास्ट ये वाला हाँ रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. आपको पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम बेहतर काम करते हैं, उससे कम या ज्यादा होता है एंजाइम वर्क नहीं करते प्रॉपरली. अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सब्सट्रेट. जाहिर है जैसे आपको पता है कि उसकी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी जगह पॉइंट आती है जिस जगह पे अगर आप ज्यादा सब्सट्रेट ऐड करेंगे देन जाहिर फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन उस नहीं बढ़ेगा, तो यानी इसका इफेक्ट है. इसी तरह से अफेक्टेड बाय इनहिबिटर. जाहिर है जब भी कोई इनहिबिटर आ जाता है जैसे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आ गया है तो जाहिर एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो ये सब चीजें अफेक्ट करती है. या जैसे आप देखें कि हेडिंग होती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती है. टेम्परेचर भी आ जाती है, एंजाइम कंसंट्रेशन भी आ जाती है, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन भी आ जाता है और इनहिबिटर भी आ जाते हैं. सारी हेडिंग है. द सुइटेबल टर्म फॉर द केमिकल दैट एन एंजाइम वर्क्स ऑन इट. जाहिर सब्सट्रेट एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स तभी बनता है. बाकी तो ऐसे ही क्वेश्चन थे और ऑप्शन थे, बट आपको पता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट तो सब्सट्रेट पे ही जैसे एंजाइम का एक्शन है. तो व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया 70 डिग्री सेंटीग्रेड. टोकन टाइप के क्वेश्चन है. एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब एंजाइम और सब्सट्रेट में अट्रैक्शन होगी तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा. देन प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, देन उसके बाद क्या होगा प्रोडक्ट और एंजाइम अलग अलग हो जाते हैं. इसी तरह से 67 एंड मेटाबॉलिक पाथवे कन्वर्जन ऑफ थ्रियोनिन इनटू आइसोलेसिन. आइसोलेसिन कैन बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट ऑफ ऑन द फर्स्ट एंजाइम. फर्स्ट एंजाइम जिसका नेम जैसे थ्रियोनिन डी अमाइनेज है, AAC मौजूद है तो एंजाइम का नेम है, तो क्या होगा वही सेम पाथवे. जैसे एंड प्रोडक्ट अगर एंजाइम नंबर 1 के साथ बाइंड होगी एलोस्टेरिक साइट पे तो यकीनन क्या होगा, वो हमने मेनी टाइम पढ़ा है. आइसोलेसिन प्लेज इन नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर. तो इसमें ये है कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के तौर पे काम करेगी, कॉम्पिटेटिव नहीं नॉन कॉम्पिटेटिव. एलोस्टेरिक साइट पे आके एंजाइम नंबर 1 की एक्टिविटी को आके ब्लॉक करते हैं. वही सेम इलस्ट्रेशन है, STB में इलस्ट्रेशन है, NTB में इलस्ट्रेशन है. मोर ओवर जैसा क्वेश्चन जो हमने ABCDEFGH की सूरत में भी लिखा है वही सेम थी सीक्वेंस, तो इससे कोई इतना बिग क्वेश्चन नहीं था. और है कोई जठन साहब, यासिन साहब, हनीफ साहब? आई थिंक कंप्लीट हो गए, फिनिश हो गए. कोई पर हाँ थैंक यू स्टूडेंट्स. अब जो इंटर क्लास होगी ना जो फुल एंट्री की जिनमें मींस उसके लिए नेक्स्ट वीक के अंदर आप जहन में रख लें. बायो एनर्जेटिक्स के बाद आपकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनकी टेस्ट होगी उस वीक में, तो उसके लिए आप जहनी तौर पे तैयार हैं. ठीक है नेक्स्ट इस वीक में नहीं, क्योंकि इस वीक में हमने सुना है या हमें पता है बायो एनर्जेटिक्स की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो बायो नंबर 2. एक जैसे बायो एनर्जेटिक्स के सिलेबस से पूछते हैं कि जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है कि क्रैब्स साइकिल है या नहीं, तो 3 नंबर पार्ट के अंदर आप जैसे देखेंगे ग्लाइकोलिसिस पाथवेज दिए गए, एरोबिक रेस्पिरेशन आखिर में दिया गया. तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, अगर आप जैसे देखें ग्लाइकोलिसिस मौजूद है, एंड प्रोडक्ट पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड की एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्रैब साइकिल तो है, वही तो है क्रैब साइकिल, तो इसमें हेडिंग है. और मोर ओवर जैसे अगर PMC के टॉपिक्स को आप छोड़े अगर वो इस तरह के मौजूद हैं हम कैसे पढ़ाएंगे. अगर एक चीज को आप माइनस कर दें क्रैब साइकिल हम ना पढ़ाएं तो आप जैसे देखें
हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी को कैसे काउंट करेंगे, कैसे आपको बताएंगे कि इतने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बने, इस जगह पे बने, एटीपी एनएडीपीएस। तो यकीनन इसके अंदर जो क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन की हेडिंग के अंदर मौजूद है। ठीक है, सी यू। थैंक यू।